Okay, let's proceed with the topic, how to make revaluation account, partners, capital account and balance sheet. Question number 56, Chapanja, question 56. Following is the balance sheet of firm Ashirvad, firm ka naam rakha hua hai. So in the books of Ashirvad, not ABC, in the books of Ashirvad, who share profits 3-1? We have balance sheet, jisme kuch bhi distribute karne ke liye nahi hai. कैश और बैंक दो अलग अलग है जो मर्ज कर देंगे. ऑन फर्स्ट अप्रैल दे एडमिट डी एज अ पार्टनर. चार पार्टनर है तो लैंडस्केप मॉडल रहेगा कैपिटल अकाउंट का, इजी है, बेटर रहेगा प्रेजेंटेशन, बहुत छोटा छोटा नहीं लिखना होगा. डी विल ब्रिंग 120 एज कैपिटल एंड 30 एज प्रीमियम फॉर अ क्वार्टर शेयर. क्वार्टर, व्हाट इज क्वार्टर? चौथा हिस्सा, 1/4. डी 1,20,000 कैपिटल लेके आ रहा है और 30,000 गुडविल, और गुडविल डिवाइड की जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% बिफोर द एडमिशन ऑफ डी. मोहन, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, हैज प्रॉमिस्ड टू पे 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज. ये क्वेश्चन सी पार्ट के लिए करवाया जा रहा है. प्लीज मार्क स्टार सी. फ्यूचर रेशियो विल बी इक्वली 1:1:1:1. न्यू रेशियो गिवन है. पास जर्नल एंट्रीज, रिवेल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट. हम जर्नल एंट्रीज नहीं कर रहे. यू वॉन्ट टू, यू विल, यू कैन, यू विल, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं. मैं पहले करवा चुका हूं वो टॉपिक, आप कर लीजिए, हम चेक कर लेंगे. 56th क्वेश्चन, रिवेल्युएशन अकाउंट. फिक्स्ड एसेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% बिफोर द एडमिशन ऑफ डी. डी की एडमिशन से पहले फिक्स्ड एसेट्स को 10% से बढ़ाना है. इससे ओवर वैल्यूड नहीं पड़ेंगे. ओवर वैल्यूड होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट, पहले हो चुका है, अब कम करो. विल बी इंक्रीज्ड, अब बढ़ाएंगे. फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, फायदा बाय फिक्स्ड एसेट्स 10% ऑफ. हमारे पास दो फिक्स्ड एसेट्स हैं, फर्नीचर एंड बिजनेस प्रीमिसेस, तो अलग अलग करके बढ़ाते हैं. बाय फर्नीचर 10% ऑफ 95,000, 9,500. बाय बिजनेस प्रीमिसेस 10% ऑफ 2,05,000 इज 20,500. 1/1 बढ़ाया दोनों को. मोहन, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, हैज प्रॉमिस्ड द पे. मोहन कहता मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ पे करूंगा. प्रूडेंस प्रिंसिपल लगाते हैं. उसने प्रॉमिस किया, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर थोड़ा दिया, चेक साइन करके थोड़ा दिया. जब देगा तब देखेंगे. इग्नोर सी पार्ट, इग्नोर. मोहन को हम बैड डेट मान चुके हैं कि वो पैसे नहीं देगा. अगर वो पैसे देगा तो कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड. यहाँ पे आ जाएगा बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश में प्लस हो जाएगा फायदा. अभी उसने पैसे दिए नहीं, उसने प्रॉमिस किया है. तो दो ऑप्शन है. एक, वन, डेटर्स को बढ़ा दो, या लिख दो बाय डेटर्स, डेटर्स में प्लस कर दो. ऑप्शन टू पूरी तरह से इग्नोर करो. प्रॉमिस किया है, ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. दैट्स इट. द बैलेंसिंग फिगर इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 21,000 divided among ABC in the ratio 3:1, 10,500, 7,000 and 3,500. ये जो C पॉइंट है जिसके लिए ये क्वेश्चन किया है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नोट, नोट फॉर सी एडजस्टमेंट, सी एडजस्टमेंट के लिए. ऑल्टरनेटिव नंबर वन, ये क्वेश्चन फाइनल में आया, ये पॉइंट फाइनल में आया हुआ है 2 से 3 साल पहले, और सीबीएसई ने चेकिंग दोनों मेथड से की थी. दोनों से आंसर बिल्कुल वेरी करता है. दोनों ठीक है, मैं दोनों समझा रहा हूं, करेंगे एक. ऑल्टरनेटिव नंबर वन, मोहन just promised
टू पे एंड हेंस ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल एंड वेरीफिएबल प्रिंसिपल इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम, इसे इनकम नहीं माना जा सकता। एक तो प्रूडेंस प्रिंसिपल है, फ्यूचर के गेंस के लिए रेडी मत हो। दूसरा वेरीफिएबल, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट ही नहीं है, प्रॉमिस है, कोई वाउचर थोड़ा बना इसका। हेंस विल बी इग्नोर्ड, इसलिए हम इसे इग्नोर करेंगे। ऑल्टरनेटिव नंबर टू, इसे डेटर मान लो कि मोहन पैसे देगा, पता है, श्योर है। डेटर में प्लस और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। ऑल्टरनेटिव टू, कंसीडर रुपी 3000 एज डेटर्स, फुल स्टॉप। दस एडेड इन डेटर्स एंड क्रेडिटेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, डेटर्स में प्लस। कूल, हमने फॉलो किया ऑल्टरनेटिव नंबर वन। एक तो इजी है और बेटर है। इजी है क्योंकि इग्नोर करना है, पर नोट दे देंगे हमने क्यों इग्नोर किया, नहीं तो टीचर को ऐसा लगेगा भूल गए। एक तो इजी है, इग्नोर ही करना है, नीचे नोट दे दो हमने क्यों इग्नोर किया। एक बेटर है क्योंकि अब प्रिंसिपल फॉलो हो रही है। ये भी गलत नहीं है, बट सम CS चार्टर्ड अकाउंटेंट इस चीज़ को वैलिड नहीं कंसीडर करेंगे। एक इनकम ज़्यादा करोगे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, क्यों, क्या जरूरत है टैक्स पे करने की, जब पैसे आएंगे तब देखेंगे। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी ए बी सी डी सबसे पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्रांसफर इट फ्रॉम द बैलेंस शीट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल्स 120 120 120। और कोई अकाउंट नहीं है जो क्लोज होगा, लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, IFR, P&L, WCR, एग्जिस्टिंग गुडविल, जनरल रिजर्व, P&L। अब ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। ये देखिए, एडमिशन से पहले एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तभी प्रॉफिट ट्रांसफर किया। अब एडमिशन करेंगे बाय कैश, डी कैपिटल लेके आ रही है, कितनी, 120 लेके आ रहा है या लेके आ रही है, 120,000। प्रीमियम 30,000 बाय प्रीमियम, किस रेशो में, सेक्रीफाइजिंग रेशो में। सेक्रीफाइजिंग रेशो नहीं गिवन, निकाल सकते हैं क्योंकि न्यू रेशो गिवन है। सो लेट्स कंप्यूट वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशो, ए रेशो बी रेशो सी 3:2:1 होल्ड, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी 1:1:1:1 न्यू। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ए 3:6-1:4 6:24 या 3:12। बी 2:6-1:4
2/24 या 1/12, सी 1/6 माइनस 1/4 माइनस 2/24, डी 0 माइनस 1/4 माइनस 1/4। सो ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है, डी भी गेन कर रहा है। दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दो गेन कर रहे हैं। सो द एंट्री वुड बी गेनर टू सेक्रीफाइजर। आपके केस में ये आ रहा होगा 3/12, 1/12, 1/12 माइनस। लेट्स सी प्रीमियम। प्रीमियम है 30,000, तो हमारी गुडविल हो गई 30,000 इंटू 4/1, 1,20,000। एंट्री है गेनर टू सेक्रीफाइजर, सीज कैपिटल प्रीमियम, ये दोनों गेन कर रहे हैं, टू सेक्रीफाइजर, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 1,20,000 इंटू सी 2/24, 1,20,000 इंटू प्रीमियम 1/4, डी 1,20,000 इंटू ए 6/24, 1,20,000 इंटू बी 2/24। सो सॉल्व करके आ रहे हैं 10,000, 30,000, 30,000, 10,000, अ गुड पॉइंट, रादर वेरी गुड पॉइंट। अब पोस्टिंग कैसे करें? पहले ए क्रेडिट हो रहा है, ए क्रेडिट हो रहा है 30,000। ए को क्रेडिट किसने किया? सी ने और प्रीमियम ने। तो ए क्रेडिट हो रहा है 30,000, ए को क्रेडिट किसने किया? सी ने और प्रीमियम ने। बी क्रेडिट हो रहा है कितना? 10। बी क्रेडिट हो रहा है, बी में क्रेडिट साइड 10, किसने क्रेडिट किया? सी ने और प्रीमियम ने, बाय सी कैपिटल एंड प्रीमियम बी के कॉलम में। सी डेबिट हो रहा है, सी डेबिट हो रहा है, सी में डेबिट साइड कितना? 10। सी डेबिट हो रहा है कितना? 10। किसने डेबिट किया? सी को डेबिट किया ए और बी ने, 2 इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। प्रीमियम, प्रीमियम डेबिट हो रहा है तो प्रीमियम अकाउंट में डेबिट साइड, प्रीमियम अकाउंट में डेबिट साइड, वो हम बना नहीं रहे, प्रीमियम को विड्रॉ तो किया नहीं है। बैलेंसिंग फिगर, लेट्स क्लोज द कैपिटल अकाउंट, टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर। The balance of A is 160,500, 1,60,500. For B is 1,37,000. For C is 1,13,500, और जैसे आपको पता है डी तो बहुत सा हुआ है, उसका बैलेंस तो सेम ही आएगा क्योंकि उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करनी ही नहीं होती है। 1,20,000 शरीफ है डी। कुल आप में से कई बच्चों के माइंड में ये पोस्टिंग के बारे में जरूर क्वेश्चन आया, क्या हम ऐसे पोस्टिंग कर सकते हैं? यस। क्या
क्या ये पोस्टिंग करनी सही है? यस। क्या इससे बेटर वे से पोस्टिंग की जा सकती है? यस। आई रिपीट, अगर दो डेबिट हो और दो क्रेडिट हो, अगर दो डेबिट हो और दो क्रेडिट हो तो उसकी पोस्टिंग कैसे की जाएगी? दिस इज द वन वे एंड द इजियर वे टू एडजस्ट इट। लेजर का काम क्या होता है? लेजर का काम होता है ये बैलेंसेस को कंप्यूट करना, वो तो सेम आ गए। और लेजर का काम क्या होता है? हर अकाउंट में डेबिट क्रेडिट सही जाना, वो भी सही आ गया। तो काम तो पूरा हो गया, लेजर का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, तो दिस इज कूल, परफेक्ट। बट व्हाट इज द बेस्ट वे टू पोस्ट दिस एंट्री? सी में 10,000 डेबिट, ध्यान देना, ए में 30,000 क्रेडिट होगा, ए में 30,000 क्रेडिट होगा बट 1:3 में, बी में 10,000 क्रेडिट होगा बट 1:3 में, सी में 1/4, प्रीमियम में 3/4, ए में क्रेडिट होगा 30,000 बट कैश सी में, सी अकाउंट में 1/4, प्रीमियम में 3/4। सिमिलरली सी में होगा डेबिट 10,000, सी में डेबिट 10,000 3:1 में, ए में 3/4, बी में 1/4, सेम विद प्रीमियम। दिस इज द बेस्ट वे टू पोस्ट इट। आई डोंट वॉन्ट टू मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लेक्स, और भी बहुत चीज़ें हैं समझने के लिए। लेजर इज जस्ट द टीडियस प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स, उसको और कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज ओके। बट बींग अ टीचर इट इज़ माई ड्यूटी कि आपको हर चीज़ समझाई जाए, जैसे दोनों ऑल्टरनेटिव समझाए हैं वैसे मैंने वो मेथड भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए लेट्स मूव टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आफ्टर डी इज एडमिशन, बैलेंस शीट आफ्टर डी इज एडमिशन, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, कैपिटल्स ए बी सी डी, 160, 500, 137, 000, 113, 500, 120, 000. The total of the capitals Creditors unchanged, same. Outstanding salaries and wages, same. New liability नहीं, furniture 95,000 minus 9,500, बड़े हैं कम हुए, बड़े हैं, इंक्रीज किए मैंने, डिक्रीज कर दिए, 9,500 इंक्रीज करने, 95,000 प्लस 9,500, 1,04,500. बिजनेस प्रीमिसेस 2,05,000 प्लस 10%, 2,25,500. स्टॉक इन ट्रेड एज इट इज 40,000, डेटर्स एज इट इज, प्लस करते थे अगर हम ऑल्टरनेटिव टू मानते कि प्रॉमिस को हम डेटर्स मान लेते हैं तो यहां पे प्लस हो जाता। कैश इन बैंक एंड कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, $4,200 प्लस 15,000
ये तो पुराना कैश बैंक हो गया, प्लस कोई नई कैपिटल, नई कैपिटल ये रही डी लेके आ रहा है 1,20,000 प्लस प्रीमियम, प्रीमियम 30,000 लेके आ रहा है वो, प्लस 30,000 लेके आया है ना, डी विल ब्रिंग कैपिटल ऑल्सो प्रीमियम फॉर क्वार्टर शेयर 1/4 शेयर. सो द ओल्ड कैश इज 4,200, बैंक इज 15,000, 1,20,000 कैपिटल, 30,000 प्रीमियम, कुछ विड्रॉ तो हुआ नहीं है. सो 1,69,200, 169,200. Let's check what is the total of balance sheet now. 5,31,000 plus 20,000 plus 7,200. 558,200. बिजनेस प्रीमिसेस बड़ी हैं, बिजनेस प्रीमिसेस थी 2,05,000 प्लस 20,500 इस 2,25,500 1,045 40,000 28,000 169,200 567,200. देर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक एंड नीडलेस से क्या है आपको पहले ही पता है, स्टार्टिंग में ही मिस्टेक हो गई थी. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 30,000 आ रहा है, चेक कीजिए, 20,500 प्लस 9,500 इज 30,000. सो 20,500 प्लस 9,500 इज 30,000, नॉट 21,000. सो आई एम टेलिंग यू द चेंजेस, मैं आपको चेंजेस बता रहा हूँ, आप अपने आप ही वो चेंजेस करेंगे और सम कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 30,000 होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 30,000 होगा तो यहां पे उसी हिसाब से ट्रांसफर होगा और क्लोजिंग कैपिटल चेंज हो जाएगी. सो आई रिपीट अगेन, द मिस्टेक इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम ऑफ, मैं दोबारा कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चों ने पहले ही 30,000 के हिसाब से कैलकुलेशंस की होंगी और आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी. हमारी बैलेंस शीट का डिफरेंस आ रहा है 9,000, ये वही 9,000 है. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है 30, मैंने लिखा 29, वही 9,000 का डिफर है. आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी विद अ टोटल ऑफ 567,200 क्योंकि कैपिटल्स बढ़ जाएंगे. सो आप अपने लेवल पे चेंजेस करेंगे, गेट द करेक्ट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, पोस्ट इट, गेट द क्लोजिंग कैपिटल्स अकॉर्डिंगली, पोस्ट इट एंड योर बैलेंस शीट विल मैच. थैंक यू. लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, इसमें सारी की सारी एडजस्टमेंट्स थोड़ी डिफिकल्ट है, पेपर में ऐसा सब नहीं आएगा. फिर हम इस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई एक एडजस्टमेंट आ सकती है. ये जो 6 एडजस्टमेंट्स हैं, ऑल द 6 एडजस्टमेंट्स, एग्जाम में कोई एक एडजस्टमेंट बन के आ सकती है. सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मैं ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स के लिए करवा रहा हूँ, सम के लिए नहीं. तो एक एक एडजस्टमेंट को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम सम करेंगे. ए, आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल. मैंने 10,000 डी को देने थे, अब मैं उसे पार्टनर बना रहा हूं, मैं मतलब फर्म. फर्म ने डी को 10,000 रुपए देने थे और अब डी पार्टनर बन रहा है, वो कह रहा है मुझे 10,000 देने की जरूरत नहीं है, उसे कैपिटल मान लिया जाए. देखिए एंट्री बनती है कैश टू सीज कैपिटल 10,000. यस, सी ने कैश दिया प्लस
हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की, एंट्री बनती है क्रेडिटर्स टू कैश 10,000. सो कैश सी लेके आया, फिर हमने क्रेडिटर्स कैश पे कर दिया. बाई चांस वो क्रेडिटर सी ही है तो इसकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स टू सीज कैपिटल. द एंट्री इज क्रेडिटर्स टू सीज कैपिटल. क्रेडिटर्स में से माइनस और सी कैपिटल में आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स. फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया है. जब हमारी फर्म ने किसी को पैसे देने हो और वो एडमिट हो जाए, जैसे लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, तो एंट्री बन जाएगी कैश टू कैपिटल की जगह लोन टू कैपिटल, बिल्स पेबल टू कैपिटल, क्रेडिटर्स टू कैपिटल. बी पार्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 1200 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस. 1200 रुपए प्रीपेड है तो इसकी एंट्री बन जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस. हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज करेगा तो रीवैल्यूएशन में हम क्रेडिट साइड डालेंगे. इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट. सी एक्सपेंसेस डेबिटेड इन पी एंड एल इंक्लूड 2000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंसेस. 2000 रुपए हमने पे किए तो एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस टू कैश. हमने पे किए एक्सपेंसेस टू कैश, यही एंट्री बनेगी. हमने फिर एक्सपेंसेस पी एंड एल में डाल दिए, हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया. पर बाद में पता चला ये एक्सपेंसेस हमारे नहीं है, ये बी के पर्सनल नेचर के खर्चे हैं. जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, एक अमेजोन से कोरियर आता है रिसेप्शन वाले मैम का, तो कमर्स वाला पे करेगा कि रिसेप्शन वाले मैम पे करेंगे? रिसेप्शन वाले मैम पे करेंगे. मैंने गलती से वो कमर्स वाला का खर्चा मान लिया तो ये एंट्री गलत है. तो इसको ठीक करने के लिए मैंने ये एंट्री डाल दी थी, फिर मैंने एंट्री क्या डाल दी, पी एंड एल टू एक्सपेंसेस. पहले मैंने एक्सपेंसेस टू कैश एंट्री डाल दी, फिर पी एंड एल टू एक्सपेंसेस. पर ये एंट्री तो गलत है. कैश तो हमारा गया है पर ये हमारा खर्चा नहीं है, ये पर्सनल नेचर खर्चा है. तो अब मैं एंट्री डाल दूंगा इसको रेक्टिफाई करने के लिए, बीज कैपिटल टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. बीज कैपिटल टू रीवैल्यूएशन. वाई? एक तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि गलती से मैंने प्रॉफिट कम कर दिया था. देखो मैंने जब खर्चा पे किया, कमर्स विला की बुक्स का एग्जांपल लेते हैं, मैंने 2000 का कोरियर रिसीव किया, एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस टू कैश. फिर मैंने वो एक्सपेंसेस पी एंड एल में डाल दिया, कमर्स विला का प्रॉफिट कम हो गया. बाद में पता लगता है वो कोरियर वनवीत मैम का है तो मैं एंट्री डालूंगा वनवीत मैम टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि वो प्रॉफिट जो पहले से कम हो चुका है उसको बढ़ाना है रीवैल्यूएशन. और किससे लेना है? वनवीत मैम से. उनको डेबिट करेंगे, उनकी ड्राइंग्स हो जाएगी, उनकी सैलरी से कट जाएगा. सी पार्ट ये एंट्री डलेगी, बी दिस, ए दिस, डी अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड. 4000 का बिल डिसऑनर हो गया, बट नो एंट्री वॉज पास फॉर द डिसऑनर. बिल डिसऑनर हो गया, वॉट इज द एंट्री फॉर डिसऑनर? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. जब बिल डिसऑनर होता है, बैंक वाले पैसे ले लेते हैं, हमने डेटर से पैसे लेने हैं. वट इज द जनरल एंट्री फॉर डिसऑनर? डेटर्स टू बैंक. बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे ले लेंगे, मैं डेटर से पैसे लेने के लिए ऐड कर लूंगा. सो 4000 का बिल डिसऑनर हो गया, वो मैं बैंक से डिस्काउंट करवा चुका था, प्लस वन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया था. मुझे एक 4000 का बिल मिला, मैंने वो बिल बैंक में डिस्काउंट करवा दिया, बैंक ने मुझे पैसे दे दिए, डन. अब बिल डिसऑनर हो गया, बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काट लेंगे 4000,
और मैं 4000 डेटर से ले लूंगा. सो द एंट्री इज डेटर्स टू बैंक, डेटर्स में प्लस, बैंक में से माइनस. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पेपर में इतना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आता है. आपको मैं एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ, कोई एक एडजस्टमेंट एग्जाम में बन के आ सकती है. ई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5% ऑन डेटर्स, न्यू प्रोविजन. रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, इसमें क्या नया पॉइंट है? कितने 5% ऑफ 30,000. रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ 30,000. इसमें नया क्या है? ये गलत है. 5% ऑफ 34,000, 4,000 डेटर्स प्लस भी तो हुए हैं. सो 5% ऑफ 34,000, 30 + 4, क्योंकि 4,000 के डेटर्स प्लस भी तो हुए हैं डी पार्ट में. सो 30,000 के डेटर्स आपको नजर आ रहे हैं बैलेंस शीट में. आई रिपीट, 30,000 के डेटर्स आपको नजर आ रहे हैं बैलेंस शीट में. 4,000 के डेटर्स वो जो हमने प्लस किए हैं डी पार्ट में, तो टोटल 34,000 का 5% लगेगा प्रोविजन में. ये था नया पॉइंट ई. एफ, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन इज पेड बाय ए. रिवैल्यूएशन का कोई खर्चा हुआ, अगर हम खर्चा करते तो एंट्री क्या बनती है? रिवैल्यूएशन टू कैश. हमारा खर्चा हुआ है रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, हमारा अभी का खर्चा है कैश में से माइनस. बट हमने नहीं पे किया, किसने पे किया? ए ने. तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन टू एज कैपिटल, मतलब पार्टनर ने हमारे बिहाफ पे कर दिया. आई रिपीट, पार्टनर ने हमारे बिहाफ पे कर दिया. तो पार्टनर की होगी एडिशनल कैपिटल, कैपिटल में क्रेडिट साइड, और फर्म का खर्चा है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड. एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर बट टू बी पेड बाय फर्म, फर्म ने पे करना था, पार्टनर ने पे कर दिया. ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर. वन, डी एक क्रेडिटर था, वो पार्टनर बन गया. सेकंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस. थर्ड, खर्चा बी का था, हमने गलती से मान लिया. डी, बिल डिसऑनर हुआ, डेटर्स बढ़ा दो. ई, प्रोविजन क्रिएट करो पर डेटर्स बढ़ाए हैं उसके बाद. एक्सपेंसेस हमने पे करने थे, ए ने पे कर दिए. बेसिकली सी और एफ वाइस वर्स है, सी और एफ बिल्कुल रिवर्स है. आप सी और एफ को इकट्ठा पढ़ेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा. खर्चा पार्टनर ने करना था, हमने कर दिया सी. खर्चा हमने करना था, पार्टनर ने कर दिया एफ. डन. लेट्स स्टार्ट विद रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं पहले जर्नल एंट्रीज क्लियर करके डाल देता हूं ताकि बाद में पोस्टिंग करनी इजी हो जाए. ए इज क्रेडिटर्स टू सीज कैपिटल, क्रेडिटर्स टू सीज कैपिटल. हाँ, ये क्वेश्चन 6 मार्क में आ सकता है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज. सेकंड इज प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस टू रिवैल्यूएशन. हाउ मच इज प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस? 1200. मैं एंट्रीज इसलिए डाल रहा हूँ बाद में रिवैल्यूएशन बनाना इजी हो जाएगा. थर्ड, बी टू रीवैल. थर्ड, बी इज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन. हाउ मच? 2000. डी, डेटर्स टू बैंक 4000. ई, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन. फाइव परसेंट ऑफ 34,000, 1700 आई गेस.
revaluation to S capital 2100. Let's start with revaluation account. A नहीं B by prepaid expenses. C by B's capital, D नहीं E to provision for doubtful debts, F to A's capital. अब समझाना मुझे इजी है, वैसे सब खत्म हो चुका है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको ये 6 मार्कर क्वेश्चन आ गया, 6 जर्नल एंट्रीज डालो ये, या अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो कोई एक दो एडजस्टमेंट बीच में से आ जाएंगे, सभी ऐसे नहीं आएंगे, बट स्टिल इट इज अ क्वेश्चन तो वी आर डूइंग इट. 3200 3800 रिवैल्यूएशन का लॉस 17 + 21 - 12 - 2 600 डिवाइडेड अमांग ए बी सी 3 to 1. We are done with the revaluation account. Now we'll make partners capital account. Partners capital account. A, B, C, D. A, B, C. D. सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट से. लेट्स ट्रांसफर इट फ्रॉम द बैलेंस शीट फर्स्ट. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल 60 60 40 60 60 40. जर्नल रिजर्व पी एंड एल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एग्जिस्टिंग गुडविल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कुछ भी नहीं है. अब ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से. लेट्स ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन में ए डेबिट है, रिवैल्यूएशन में ए डेबिट है तो ए में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा. रिवैल्यूएशन में बी क्रेडिट है, रिवैल्यूएशन में बी क्रेडिट है तो बी में रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा. रिवैल्यूएशन का लॉस 300 200 100. अब एडमिशन करेंगे कैश टू डीज कैपिटल की जगह क्रेडिटर्स टू डीज कैपिटल. क्रेडिटर टू डीज कैपिटल वी हैव डी. सो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिटर्स टू डीज कैपिटल है. सो हियर वी हैव बाय कैश की जगह बाय क्रेडिटर्स, कैश की जगह क्रेडिटर्स 10,000. गुडविल के बारे में कुछ नहीं है तो गुडविल निकालेंगे नहीं, हिडन गुडविल 0 है, नहीं निकालनी. गुडविल तब निकालनी है जब क्वेश्चन में बोला हो ही ब्रिंग्स गुडविल, ही डज नॉट ब्रिंग गुडविल. गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो गुडविल इज कंसिडर्ड एज निल. आप हिडन गुडविल तब निकालते हैं जब क्वेश्चन में लिखा हो कि गुडविल की एडजस्टमेंट करो. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट गुडविल इट इज 0. जैसे इस क्वेश्चन में बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर लैंड नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर बैंक लोन नहीं है तो ये थोड़ा वो इज्यूम कर लेंगे है. जो चीज़ नहीं है और उसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो वो नहीं है, प्रीमियम वाला कंसेप्ट ही नहीं है. लेट्स क्लोज द बुक्स टू बैलेंस कैरी डाउन. बैलेंसिंग फिगर
62,100 माइनस 300 59,800 नो, एक बार चेक ही कर लेते हैं कैलकुलेशंस, फिर बाद में पिछले सम की तरह कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है, फिर आपको मैं बोलता हूँ अपने आप कैलकुलेशन सही करो। बी 60,000 माइनस 22,100 57,800 सी 39,900 डी 10,000 नीचे एक नोट दीजिए। As question is silent, as question is silent about goodwill, पूरी तरह से silent है। जहां जहां हमने hidden goodwill किया ना, वहां ये लिखा होता था कि वो goodwill लेके आ रहा है, नहीं लेके आ रहा, इतनी लेके आ रही है, goodwill के अर्थ में कुछ भी नहीं है, बस लिखे वो capital लेके आ रहा है, that's it. His capital is to be 40,000. See, D is admitted as a partner. His capital is to be 50,000. तो उसकी capital है 50,000. 10,000 creditors से, 40,000 cash से. Premium के बारे में कुछ नहीं given. D की capital है 50,000. D की capital है 50,000. 10,000 creditors से, 40,000 cash में. So, buy cash 40,000. आई होप यू गॉट इट कि टोटल 50,000 लेके आने थे, 10,000 के उसके क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो गए और 40,000 के कैश ले आया, टोटल कैपिटल इज 50। हम बात कर रहे हैं किसकी, गुडविल की। एज क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट गुडविल, इट इज टेकन एज निल, जरूरी नहीं है गुडविल हो, हमेशा होती है गुडविल, ऐसा नहीं है। कैपिटल 50,000 हो गई, गुडविल के बारे में कुछ है नहीं। लेट्स मेक बैलेंस शीट नाउ। बैलेंस शीट आफ्टर डी इज एडमिशन, बैलेंस शीट आफ्टर डी इज एडमिशन, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज ए बी सी डी कैपिटल्स हैं, सिक्सटी वन एट हंड्रेड, फिफ्टी सेवन एट हंड्रेड, थर्टी नाइन नाइन हंड्रेड एंड 50,000। दो लाख नौ हजार पांच सौ क्रेडिटर्स 30,000 थे, 10 कम हो गए जो कैपिटल में ट्रांसफर हुए हैं, 20,000 रह गए। क्रेडिटर्स 30,000 से 10 कम हो गए जो ट्रांसफर किए गए हैं कैपिटल में। बिल्स पेएबल एज इट इज 10,000 इंटैक्ट। कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट की है, रिवेल्यूशन में चेक करो, कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट की है, नहीं। एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 नो चेंज, प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज नो चेंज, फर्नीचर As it is, no change. Stock, as it is, no change. Debtors, new provision create किए, bad debts तो है नहीं। Debtors, 30,000 minus new provision. No. Debtors 30,000 plus
डिसऑनर बिल 4034 माइनस न्यू प्रोविजन 1700, गॉट इट? 30,000 के डेटर्स थे जिसमें 4,000 हमने प्लस किए 34, 1700 की प्रोविजन लगी. सो 30,000 प्लस 4,000 माइनस 5% प्रोविजन 32,300. बिल्स रिसीवेबल ऐसे ही एज इट इज 20,000. अब ये मत बोलना डिसऑनर हुआ है, डिस्काउंटेड बिल बिल्स रिसीवेबल में नहीं आता. जो बिल डिस्काउंट हो चुका होता है वो डेटर्स में जाके एडजस्ट होते हैं. बैंक एंड कैश हाउ मच इज बैंक एंड कैश? पहले था 10,000 प्लस डी 40,000 कैपिटल लेके आया. 10,000 तो क्रेडिटर्स से ट्रांसफर हुए थे, 40,000 कैपिटल लेके आया वो कैश में. 10,000 प्लस 40, प्रीमियम के बारे में कुछ है नहीं. एंड दिस बैंक 4,000 रुपये जो बैंक ने काट दिए, जो बिल डिसऑनर हुआ है बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काटेंगे. सो बैंक एंड कैश 10 पुराना, 40 नया, 4 जो उन्होंने चार्जेस काटे हैं डिसऑनर बिल 46,000. अब चेक कीजिए कोई नया एसेट क्रिएट तो नहीं हुआ है. प्लीज चेक अगर कोई नया एसेट क्रिएट हुआ है तो. प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हाउ मच इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? 1200, 1200. दैट्स इट. योर बैलेंस शीट शुड मैच. लेट्स चेक इफ इट इज मैचिंग. 239,500. ₹239,500 से हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है. परफेक्ट. अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हो और एडमिशन हो, आई रिपीट, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड और तब एडमिशन हो तो हमारा बनाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. कैसे वो हम कल करेंगे. इन टुमारोज लेक्चर विल डू व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड द एडमिशन इज डन, हाउ इज टू बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.